So, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के अंदर आई लेटेस्ट जॉब ओपनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये दोस्तों आपका होने वाला कॉग्निजेंट और सेकेंड कंपनी यहाँ पे आपकी होने वाली ग्लोविया। दोस्तों अब गाइस बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये कि हमें टोटल यहाँ पे ऑलरेडी 7 HR के कॉन्टेक्ट नंबर मिल रहे हैं, जिनमें से दोस्तों मेरी यहाँ पे 2 HR से ऑलरेडी कॉल पे बात हुई जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ जी क्या वो रिस्पॉन्स कर रहे नहीं कर रहे। और हाँ जी दोस्तों यहाँ पे वो एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेरी दोनों से बात हुई, दोनों से मेरी यहाँ पे इंटरव्यू फिक्स होगी। सो नाउ आई नीड टू शेयर माई रिज्यूमे। अब गाइस देखो यहाँ पे दोनों ही कंपनियां आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करी, मतलब यहाँ पे आपको घर बैठे काम करना है। इवन कॉग्निजेंट भी आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रही है और यहाँ पे आपको ग्लोविया में भी दोस्तों आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपका एजुकेशन आप 12वीं पास है, मिनिमम 12वीं पास है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, मेल है, फीमेल है, सारे ही यहाँ पे दोस्तों जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट दोनों ही कंपनी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेशन जो भी है वो भी आपको बहुत सारे लोकेशन यहाँ पे मिल रहे हैं, काफी सारे मल्टीपल ऑफ लोकेशन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस देखो डिटेल में यहाँ पे सारे चीजों को समझ लेना, आप कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी पैकेज क्या मिलेगी, इन सारे चीजों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देख लेना। पर सबसे पहले गाइस अगर आपको ऐसे ही जॉब की अर्जेंट नीड है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन दबा देना। और गाइस साथ साथ मुझे एक चीज आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका एजुकेशन क्या है, मतलब कहां तक पढ़ाई कर चुके हैं आप और यहां पे आपको किस जॉब की अर्जेंट नीड है, मतलब आपको कस्टमर सपोर्ट में जॉब करना है, बिजनेस डेवलपमेंट में करना है, एचआर में करना है। मुझे दोस्तों आप ये दो चीजें लिख के कमेंट जरूर बताना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी रिगार्डिंग इसी हिसाब से आपको आगे जॉब पोस्ट ला सकूं और साथ साथ सेम जॉब पोस्ट में आपको टेलीग्राम में डाल सकूं ताकि आपको भी टू द पॉइंट जॉब मिल सके यहाँ पे। अब दोस्तों देखो मुझे इस जॉब के अपडेट साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को अपडेट दे रहे हैं। अब गाइस देखो यहाँ पे सारे जॉब के लिए आते हैं, सबको जॉब की अर्जेंट नीड है। पर दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आप रोज जॉब के लिए अप्लाई करो, रोज आप एचआर से बात करो, रोज इंटरव्यू दे रहे हो, बट इससे बेटर एक चीज है कि आपको बस एक यहाँ पे छोटे से टेस्ट को क्लियर कर देना है और उसके बाद आपको गारंटीड 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे टॉप क्लास मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आपको बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपको वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों जॉब मिल जाएगा। मतलब आपको होम जॉब करना होम मिल जाएगा, आपको ऑफिस जॉब करना है आपको यहाँ पे ऑफिस जॉब मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बिलीव नहीं होगा, पर दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है कि रिलेवल सेम काम यहाँ पे कर रही है, आपको बस रिलेवल के एक टेस्ट को क्लियर कर देना जो कि आप कितनी बार भी दे सकते हैं, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 50 बार दे सकते हैं और उसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आपका एजुकेशन कोई भी है, आप 12वीं पास है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं आप सारे एलिजिबल होने वाले हैं। और उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आपसे एचआर यहाँ पे आपके इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू लेने के बाद आपको यहाँ पे 15 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। टेस्ट दोस्तों यहाँ पे टेस्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएंगे, मैंने दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए और आपको बहुत सारे कॉन्टेंट मिल जाएंगे रिलेवल के चैनल पे ही। पर दोस्तों इन सब चीजों के बाद भी अगर आप यहाँ पे टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे उसके बाद भी रिलेवल ने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक कोर्स यहाँ पे जनरेट करेगा जहाँ पे आपके पास अगर इंटेंट सीखने का अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रैच से सारी चीज सिखाएंगे और उसके बाद आपको तो यहाँ पे जॉब 100% गारंटी लग जाएगी। उसके लिए करना क्या है, आपको बस दोस्तों यहाँ पे इनके कोर्स को रजिस्टर करना, उसके बाद आपके पास इनकी रिलेवल की टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और इसके बाद आप यहाँ पे इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे जॉब तो 100% मिल जानी है। सो गाइस मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, यहाँ पे टेस्ट के लिए साथ साथ कोर्स के लिए आप रजिस्टर जरूर कर लेना। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लोविया कंपनी के अंदर आई लेटेस्ट जॉब ओपनिंग के बारे में। अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोविया क्या बोल रही है कि वर्क फ्रॉम होम हायरिंग है ग्लोविया। दोस्तों सैलरी पैकेज की बात करो तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे 16,000 से आपको यहाँ पे 18,000 रुपए की CTC मिलेगी। इन हैंड की बात करो तो आपको मतलब तकरीबन 14,000 रुपए से आपको 15-16,000 रुपए तक आपको यहाँ पे इन हैंड की सैलरी पैकेज मिल जाएगी। अब गाइस देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों देखो ये जो ओपनिंग है ये बेसिकली आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है, पर दोस्तों यहाँ पे ये ओपनिंग है ये दिल्ली NCR के नियर बाई लोकेशन का, मतलब आप दिल्ली NCR में आप, पर दोस्तों इनकेस आप दिल्ली NCR के नहीं है तो आपके लिए भी जॉब है, आप थोड़ा सा सब्र करना यहाँ पे। यहाँ दोस्तों आप दिल्ली NCR के या फिर आसपास फरीदाबाद के हैं, हरियाणा में किसी आसपास, मतलब दिल्ली NCR के 100-200 किलोमीटर के नियर बाई से हैं, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको यही बोलना है कि आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज द क्राइटेरिया। आप नो आइडिया वाई दे हैव गिवन दिस, बट ये है दोस्तों, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसके अलावा किसी और लोकेशन से हैं दूर से दोस्तों तो आपके लिए यहाँ पे जॉब है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, और कंपनी बहुत टॉप क्लास है। अब गाइस देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कि कैंडिडेट मस्ट हैव ओन लैपटॉप और सिस्टम, मतलब उनके पास प्रॉपर लैपटॉप सिस्टम हो, साथ में वाईफाई भी हो। इसके बाद बोल रहे मस्ट बी गुड इन रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका जो कॉम स्किल वो स्ट्रांग होना चाहिए, बोलने में भी और लिखने में दोनों ही पार्ट। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका 5 दिन काम होने वाला है और इसके बाद आपका 2 यहाँ पे वीक ऑफ है, तो दैट इज द वेरी गुड पार्ट दोस्तों। और यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट है और रोटेशनल ऑफ है, तो मतलब ऑफ आपको एक्जैक्टली सैटरडे संडे नहीं, कि उसके अलावा किसी और दिन आपको ऑफ मिलेगी, पर यहाँ पे आपको 2 ऑफ कन्फर्म मिलेगा, सो दैट इज द वेरी गुड पार्ट दोस्तों। और यहाँ पे आपको जो इंटरव्यू वो कंप्लीटली आपका ऑनलाइन होगा, ये आपको घर बैठ के इंटरव्यू होगा और आपको जॉब भी घर बैठ होने वाला है। सो गाइस देखो, मैं यही बोलूंगा, अगर आप दिल्ली से बाहर के भी हैं तो भी अप्लाई करना, बस यही बोल देना कि आप दिल्ली इंसान से, तो क्या पता वो आपको कंसीडर कर ले, पर आई एम नॉट वेरी श्योर दोस्तों, इसके लिए इसके रिगार्डिंग मेरी कुछ कन्वर्सेशन नहीं हुई है। अब गाइस देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके जॉब रोल की, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अटेंडिंग कस्टमर क्वायरीज सेल्स ओवर द फोन एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन थ्रू कॉल। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे कस्टमर जो भी क्वायरी वगैरह आ रहे हैं वो आपको सॉल्व कर रहा है यहाँ पे कॉल के थ्रू, कुछ या ईमेल भी होगा दोस्तों, चैट भी होगा, डोंट वरी फॉर दैट। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिजॉल्विंग मैटर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कस्टमर एंड द कंपनी। तो यहाँ पे कस्टमर इक्वायरी को आपको 100% सॉल्व करना है, जो कि कंपनी के हित में भी हो और कस्टमर के हित में, दोनों चीजें देख के देनी है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस एंड टेलीसेल प्रोफाइल विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो यहाँ पे आपने पहले काम करा है किसी मतलब किसी कंपनी के अंदर, तो आपको ज्यादा यहाँ पे फ्रेश मिलेगा। पर गाइस यहाँ पे आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, ऑल ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर एक्सपीरियंस बीटेक एवरीवन कैन अप्लाई। मतलब यहाँ पे आप 12वीं पास है, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट फ्रेशर सारे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेसिकली मेजरली गाइस देखो, यहाँ पे कस्टमर इंक्वायरी को सुनना है और उनके क्वायरी को आपको सॉल्व करना, ये दोस्तों मेजर काम यहाँ पे होने वाला। अब गाइस देखो, डिटेल में हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करना, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो गाइस देखो, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना, आपको इनमें से जो भी नंबर हो सके 1, 2, 3, आपको उनके नंबर को सेव करके यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको भेजना है, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल, ये चीज मेंशन करना है आपको, और वो आप इनमें से किसी भी एक दो नंबर पे सेव कर सकते हैं। और ये करने के बाद दोस्तों आप कल इनको कॉल करना, प्लीज अभी कॉल मत करना, ऑलरेडी गोइंग टू बी 7:30 आई गेस, जब तक मैं जॉब पोस्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप उनसे कल मॉर्निंग बात कर सकते हैं या फिर आप मंडे बात करना, क्योंकि सैटरडे हो सकता है कि इनका ऑफ हो, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आप कल नहीं होकर के आप मंडे को बात करना, बट उससे पहले आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे इनसे बैक टू बैक फॉलोअप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों करना, मतलब आप नंबर 1 हो सके 2 हो सके 3 हो सके, जितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है उस पर आपको सेव करके आप रिज्यूम भेज सकते हैं। उसमें आपको ये डिटेल भी डालना रिज्यूम के साथ साथ, मतलब रिज्यूम अटैच करना है, फिर वहाँ पे नाम, ईमेल आईडी और एक्सपीरियंस डिटेल मेंशन करके दोस्तों आप भेज सकते हैं, ये काम करना। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो, इंटरव्यू की बात करें तो मैं आपको नीचे एक वीडियो दे दूंगा जो कि फ्लिपकार्ट या कस्टमर सपोर्ट के रिगार्डिंग है, तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इसके इंटरव्यू को भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। 95% का सेम आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि फ्लिपकार्ट में पूछे जाते हैं, तो उसका मैं आपको वीडियो नीचे दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देखना, ठीक है। अब गाइस देखो, हम चलते हैं और बात करते हैं सेकंड जॉब ओपनिंग के बारे में, जो कि आपका होने वाला है यहाँ पे कॉग्निजेंट कंपनी दोस्तों, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़ी दोस्तों आईटी सर्विसिंग की, और दोस्तों ये आईटी की कंसल्टिंग कंपनी होने वाली है। अब गाइस देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल मिला है दोस्तों, आपको होने वाला टीम लीड के अंदर ट्रेनर, जो कि आपका कंप्लीटली नॉन वॉइस के अंदर होने वाला है। गाइस देखो, यहाँ पे जो लोकेशन, ये पूरे महाराष्ट्र का है, पर दोस्तों लोकेशन की बात करते आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ दोस्तों आपको बहुत सारा लोकेशन मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने लोकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम बेंगलुरु, तो यहाँ बेंगलुरु क्लिक करना है, आपको अप्लाई करना, आपको दोस्तों बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सीनियर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव जो कि वॉइस के अंदर है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे जिसके लिए आप घर बैठे बैठे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, पहला तो एक तो आपको ये अप्लाई करना, अगर आप पुणे लोकेशन से नहीं, आप दिल्ली से नहीं है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो। और कॉग्निजेंट जो कंपनी है, ये आपको वर्क फ्रॉम होम ऑफिस दोनों जॉब दे देगी। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका कंडीशन क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ये आप चीजों को मोल्ड कर लेगी, तो उसका बिल्कुल चिंता आपको नहीं करना है। अब गाइस देखो, यहाँ पे जो टीम लीड के लिए हायर कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको सैलरी पैकेज की बात करूँ, तो इन्होंने ऑल द मेंशन नहीं करा, पर दोस्तों आपको यहाँ पे आराम से 25,000 से 35,000 रुपए तक आपको यहाँ पे इनहैंड की सैलरी पैकेज मिलने वाली है। गाइस देखो, जॉब रोल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अटेंड रिलेवेंट ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम टू रिक्वायर नॉलेज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रॉपर तरीके से। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंडक्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग डिलीवरी एंड नॉलेज ट्रांसफर टू ट्रेनी एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब क्या दोस्तों बेसिकली करना, आपको पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद आपको जो भी क्लाइंट है कॉग्निजेंट को, उनको और साथ साथ जो भी यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयज आ रहे हैं, जो भी कस्टमर सपोर्ट के एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उनको आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देना, ये आपका काम है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
कम्युनिकेट इंडिपेंडेंटली विद कस्टमर स्टेक होल्डर फॉर नॉलेज ट्रांसफर एक्टिविटी। अगेन दोस्तों सेम चीजें यहाँ पे आपको आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को, आपको जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो आपको उनको बताना है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस मीटिंग। तो जैसा भी दोस्तों यहाँ पे बिजनेस का नीड है आपको मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में दोस्तों ज्वाइन होना पड़ेगा, ये सारा काम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अब गाइस देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज ऑफ यूएस हेल्थ केयर इंश्योरेंस एंड प्रायर एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग हेल्थ केयर ट्रांसजेक्शन। तो यहाँ पे आपने पहले एनरोलमेंट के अंदर, बिलिंग के अंदर, क्लेम के अंदर, बीआरसी के अंदर पहले काम करा है तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। पर गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास इसके अंदर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, आप फ्रेशर तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, गुड प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए, यहाँ पे गुड इंटरपर्सनल स्किल चाहिए और गुड टाइम मैनेजमेंट और यहाँ पे एनालिटिकल स्किल चाहिए। ये सारा दोस्तों यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है इस जॉब के लिए। अब गाइस देखो ये सारा डिटेल यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि मैंने इस वीडियो के अंदर सब कुछ मेंशन कर दिया होगा, बट स्टिल कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका अभी भी रह गया है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खुला, वहां आके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होगी ऐसे एक और नए ओपनिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।